हेलो व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल संगीता हीलिंग टेंपल्स। आज हम बात करते हैं क्रिस्टल्स के बारे में, और इसमें बात करने के लिए हमने अपने एक्सपर्ट संगीता जी को इनवाइट करा है, जो कि आपको क्रिस्टल्स के बारे में बताएंगी। एंड वो रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, शी इज़ अ वर्ल्ड रेनाउंड रेकी ग्रैंड मास्टर। वो हमें क्रिस्टल्स के बारे में बताएंगी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बताएंगी और हिप्नोथेरेपी के बारे में बताएंगी। सो ओवर टू संगीता जी। वेलकम संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे व्यूअर्स बहुत बेसब्र हैं आपसे जानने के लिए अबाउट क्रिस्टल्स। थैंक यू पूजा फॉर गिविंग मी ये अपॉर्चुनिटी आपने दिया है। तो ये वीडियो आपने बोला था क्रिस्टल हीलिंग के ऊपर बना रहे हैं हम लोग। तो क्रिस्टल हीलिंग जो है एक बहुत ही प्रचलित विद्या है, और इसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये अमेरिका और यूरोप से आई है ये विद्या। हम लोग तो महंगे महंगे जेमोलॉजी में विश्वास करते थे इंडियंस, और कोई 20,000 का नग खरीद रहा है, कोई 1,00,000 का खरीद रहा है, और उससे कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए। पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने इस विद्या को फैलाया है, और आजकल हम इंडियंस भी इनका यूज़ करने लगे हैं। तो क्रिस्टल्स जो हैं, मिनरल्स होते हैं, क्रिस्टल में पत्थर होते हैं जिनमें स्पेसिफिक मिनरल्स होते हैं। वो मिनरल्स हमारी बॉडी पे काम करते हैं, हमारी लाइफ पे काम करते हैं। आपने देखा होगा कुछ मिनरल्स की कमी हो जाती है बॉडी में तो हम बीमार पड़ जाते हैं, जैसे सोडियम की कमी हो जाए तो यहाँ तक कि वो ब्रेन पे इम्पैक्ट करता है। तो इनमें मिनरल्स होते हैं क्रिस्टल्स में, जो हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड पे, हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तीनों लेवल पे काम करते हैं इनके मिनरल्स जो हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ का हिस्सा अगर बन जाए तो हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव ला सकते हैं जैसा ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं। दैट्स सो नाइस। एंड आप एक बात और बताइए कि आजकल सबको लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो क्या हम लव लाइफ को ट्रीट कर सकते हैं क्रिस्टल से? या वेरी गुड क्वेश्चन पूजा। आई नो सब लोग जो हैं आजकल, चाहे वो हमारी एज के हों, चाहे वो यंगर एज के हों, आजकल सब लोग लव इश्यूज बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो लव इश्यूज को रिजॉल्व करता है रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो रोज़ क्वार्ट्ज जो है हृदय चक्र पे काम करता है, जैसे आपको पता है पिंक कलर का होता है, और पिंक कलर होता है लव की एनर्जी को एनहांस करता है। सॉफ्ट, कोई भी सॉफ्ट कलर होता है वो हमें प्यारा लगता है ना, खूबसूरत सा लगता है। तो रोज़ आप देखिए कितना सुंदर रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है, तो ये प्यारा लगता है। और ये हमारे हार्ट, इसकी एनर्जीज बड़ी सॉफ्ट और सटल हैं, तो ये हमारे हार्ट चक्रा को जो है एनर्जाइज करता है और उस पर काम करता है। तो ये हमारे जो रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए, पति के साथ हो, बच्चे के साथ हो, या आपके बिलावट के साथ हो, बॉयफ्रेंड के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, तो क्रिस्टल्स जो हैं, क्रिस्टल हीलिंग उसके ऊपर काम करती है। तो आप मुझे बताएंगे कि किस तरह से, हमें क्या रखना चाहिए, क्या ब्रेसलेट्स पहनने चाहिए या जियोड्स रखने चाहिए? आई कैन सी सम ब्यूटिफुल थिंग्स इस बॉक्स में, काफ़ी चीज़ें आपने रखी हुई हैं, तो क्या आप मुझे इनके बारे में एक एक करके बताएंगे? आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। जी बिल्कुल। तो रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट जो पहन के इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि जो डिप्रेशन दूर हो जाता है। रोज़ क्वार्ट्ज पहनने से एक सेल्फ लव की भी फीलिंग आती है, अपने से प्यार होता है। तो रोज़ क्वार्ट्ज को भी आप पहन सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं, सबकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं। तो रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को प्रोग्राम करना होता है और आप इसको पहन सकते हैं। ये जो है टंबल है, रोज़ क्वार्ट्ज टंबल है, तो दो टंबल, जिनकी शादी नहीं हो रही है तो क्रिस्टल हीलिंग फॉर मैरिज पर्पस ये वाला रोज़ क्वार्ट्ज बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप इसको रख देते हैं किसी साउथ वेस्ट कॉर्नर में, दो रोज़ क्वार्ट्ज, तो ये मैरिज को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करता है, या लव लाइफ को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करता है। तो रोज़ क्वार्ट्ज एस क्रिस्टल है लव लाइफ के लिए। एंड मैं ये माला भी देख सकती हूँ, तो सपोज़ आप ब्रेसलेट नहीं पहन सकते तो आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल माला है, जो कि एज अ ज्वेलरी भी पहन सकते हैं। बिल्कुल। तो रोज़ क्वार्ट्ज जब बॉडी से टच करता है तो जो इसकी एनर्जी फील होती है, जो इसकी वाइब्रेशन होती है, वो हमारी बॉडी में जाती है। तो अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना पूजा, और अगर आपने ये पहनी है माला, तो ये आपको गुस्सा भी कम करता है,
आपके हार्ट में सेल्फ लव होगा तो आपका गुस्सा अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है गुस्सा जो है डिस्ट्रक्टिव है। और जब ये माला हमारे हार्ट चक्रा को टच करती है तो हार्ट चक्रा में एक सॉफ्टनेस लाती है, एक फीलिंग ऑफ सेल्फ लव लाती है। और वो सॉफ्टन जब करती है तो जब आप सॉफ्ट हो जाते हो तो रोमांटिक हो जाते हो, अपने लिए रोमांस से भर जाते हो, तो नेचुरली कोई भी आपकी एनर्जी फील में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने बिलावट को, मैरिज को या अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स को भी, क्योंकि लव इज़ अबाउट लव ओनली। वो किसी भी रूप में हो, पति के, पुत्र के, नेबर्स के, फ्रेंडशिप में, तो आप किसी भी प्रकार के लव को एनहांस कर सकते हो रोज़ क्वार्ट्ज़ माला से भी। ओके व्यूअर्स, तो ये संगीता जी ने हमें बताया रोज़ क्वार्ट्ज़ के बारे में, और आप चाहें तो क्रिस्टल हीलिंग कोर्स कर सकते हैं संगीता जी से, और ये प्रोडक्ट्स भी आप उनसे बाय कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स नीचे दिए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच संगीता जी फॉर सच अ इन्फॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू पूजा, एंड थैंक यू व्यूअर्स। एंड अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी नीचे लिखिएगा कि आप क्या और सुनना पसंद करेंगे। सो सी यू देन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।